भाई आज हम आए हैं अशोक विहार, पानी की टंकी के जस्ट अपोजिट एक आउटलेट है भाई, 1975 से आउटलेट है। फेमस ये है अपनी फिश, चिकन और मटन के लिए। मैं कह रहा हूँ उसका जूस देखो कैसे मतलब टपक रहा है, टपकने को हो रहा भैया। ओए ओए ओए। स्वस्थ रहो, मस्त रहो, हंसते रहो, बस रहो। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल खाना बदोश में। ये है दीपक, मैं हूँ यतीन। आज हम आपको कहाँ लेकर आए भाई? भाई आज हम आए हैं अशोक विहार, पानी की टंकी के जस्ट अपोजिट एक आउटलेट है जहाँ पे आपको मिलेगा नॉनवेज फूड। फेमस ये है अपनी फिश, चिकन और मटन के लिए। भाई 1975 से आउटलेट है, थर्ड जनरेशन यहाँ पे भाई इस समय काम कर रही है। और इनकी फिश की ना काफ़ी तारीफ सुनी है दिल्ली में। अगर आपने इनकी फिश नहीं खाई तो यहाँ पे आओ, इनकी बहुत सारी ब्रांचेस हैं दिल्ली में, इनकी फिश ट्राई करो। तो चलते हैं इनके ऑनर के पास, कुछ बातचीत करते हैं, कुछ ग्लिम्स देखते हैं, अपना फूड टेस्ट करते हैं और आप लोगों तक पहुंचाते हैं। तो जी ये हैं सानी फिश कॉर्नर के ऑनर रमन सानी, जो कि अशोक विहार ब्रांच में खड़े हुए हैं। सर नमस्कार, सबसे पहले तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल खाना बदोश में। थैंक यू। एक बार यहाँ का प्रॉपर एड्रेस बताओ सर। ये आपका पड़ता है अशोक विहार में, ये अशोक विहार में है नियर मुर्गा मार्केट। आप किससे भी पूछेंगे या गूगल मैप्स पर डालेंगे, सबसे नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन जो है केशवपुरम है, वहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस ही है आपका मुर्गा मार्केट। वाटर टैंक के बिल्कुल ऑपोजिट है अपनी शॉप। और सर अपने पास क्या क्या ऐसी आइटम है जो सबसे ज़्यादा यहाँ पे फेमस हैं, जो लोग काफ़ी पसंद करते हैं? सर वैसे तो अपनी ये शॉप 53 ईयर्स ओल्ड है, ये वाले आउटलेट को अभी 6 साल ही हुए हैं। बाकी सारे आउटलेट पे अपनी मेन फिश चलती है। हम थर्ड जनरेशन है जो ये काम कर रहे हैं, पहले दादाजी ने शुरू किया था, फिर फादर ने, अब हम थर्ड जनरेशन है जो आगे आगे आउटलेट्स खोलते जा रहे हैं। और एक चीज़ मैं आप लोगों को ना और बताना चाहता हूँ कि भाई अगर दिल्ली में फ़िश की बात की जाए ना, तो भाई सानी फिश कॉर्नर का नाम ना बहुत ऊपर आता है, क्योंकि क्या है इनके पास जो फिश होती है ना, फिश की काफ़ी वैरायटी है। सर कौन कौन सी वैरायटी होती है अपने पास? अपने पास जो दिल्ली में सबसे कम मिलती है सैल्मन फिश, बट सबसे खास बात यह आपको सैल्मन फिश हर जगह मिल जाएगी, लेकिन फ्रोजन मिलेगी। जो हमारे पास मिलेगी सिर्फ फ्रेश मिलेगी। और अपने पास 12 महीने होती है? 12 महीने सैल्मन नहीं होती, सीजन के अकॉर्डिंग हम फिश चेंज करते रहते हैं, क्योंकि हम फ्रोजन प्रोडक्ट बिल्कुल यूज़ नहीं करना चाहते। तो जो सीजन के अकॉर्डिंग फिश आती है हम सिर्फ वही यूज़ करते हैं और अच्छी क्वालिटी की यूज़ करते हैं। ऐसे हमारे पास गर्मियों में सिर्फ सोल होती है और सर्दियों में सुरमई, तो एवरग्रीन सबको पता ही है। तो 12 महीने आपके पास फिश? 12 महीने फिश मिलेगी। जब पहले जो शॉप थी उसमें 12 महीने फिश होती थी, अभी भी है, लेकिन पहले फिश के नाम से फेमस थे। अब आपको मैं अपनी चिकन की न्यू आइटम्स दिखाता हूँ। आपने बहुत कम देखा होगा दिल्ली में अरेबियन स्टाइल में लोग तंदूरी चिकन वगैरह बहुत खाते हैं, इसमें बटर वगैरह सब मिला होता है। हमारा सिर्फ मैरिनेशन के साथ तंदूर में लगता है और बाहर निकल के आपको सर्व होता है, उसमें कुछ बटर वगैरह यूज़ नहीं करते। तो सर ऐसी कौन सी आज डिशेज हैं जो आप चाहते हो कि हम टेस्ट करें और अपने व्यूअर्स तक पहुँचाएँ? मैं आपको अपनी हाईलाइटेड डिश टेस्ट कराऊँगा। एक तो सबसे ज़्यादा फेवरेट जो हमारे लोगों की यहाँ की है दिल्ली, नॉर्थ दिल्ली की, पॉम्फ्लेट फिश, क्योंकि लोगों को विद बोन दिल्ली में ना विद बोन खाना पसंद नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन पॉम्फ्लेट में एक सिंगल बोन होती है, जिसको वो खानी आ गई उसके अलावा कोई फिश नहीं ट्राई करता। तो भाई यहाँ पे अपनी पॉम्फ्लेट लगवाते हैं और सर साथ में, और ग्रेवी में आपको हम टेस्ट कराएंगे अपना कीमा मीट, प्योर देसी घी में होता है, वो आपको अभी दिख ही जाएगा। आप उसको थोड़ी देर भी रखेंगे वो जमना शुरू हो जाएगा। उसके अलावा फिश की बात कर रहे हैं और सीजन भी चल रहा है, तो हम ग्रेवी में भी आपको फिश ही खिलाएंगे, अपनी फेमस बटर फिश। बटर फिश तो भाई आपने नाम नहीं सुना हमने, और यहीं पे हम लोग सुन रहे हैं, तो अभी टेस्ट करते हैं और फिर आप लोगों को बताएंगे। और मेन हमारी जो आज की हाईलाइट नॉनवेज में चिकन में रहेगी, वो रहेगा चिकन लेग अरेबियन बिल्कुल, जो कि मैं ये देख रहा हूँ पीछे जो ग्रिलर है अपना, ये ग्रिलर में हमारे पास कोई कोयले वाला तंदूर या गोल तंदूर नहीं है, ये शुरू से अरेबियन स्टाइल में होता है। इसमें मोटर लगी हुई है, मैं इसकी खास बात आपको एक मोटर की बताऊंगा। जो नॉर्मल आप तंदूरी चिकन खाते हो वो जब लोग लगाते हैं ना उसको, तो अगर वो उसका सेक जो होता है कोयले का, वो अपने आप मेंटेन नहीं हो पाता। अगर वो बाहर से पक गया अंदर से कच्चा है तो आपको निकालना ही पड़ेगा, नहीं तो जल जाएगा। जो इसका रहता है, आइए मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। जो हमारे इस तंदूर का रहता है वो हमारा गैस पे प्रिपेयर होता है, इसका जो सेक कंट्रोल है ना वो हमारे हाथ में ही रहता है। ये देखिए, अगर बाहर से कुक हो गई है फिश, अगर फिश बाहर से कुक हो गई है और हमारे को लग रहा है अंदर से कच्ची है, तो हम सेक को अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं कि अंदर से भी पक जाए। ये नहीं है कि आप कच्ची सर्व कर दोगे अंदर से और बाहर से पकी हुई दिखेगी, तो बहुत तो इसका ये बेनिफिट है। ये थे यहाँ पे जिनसे हमने आपकी बात करवाई, ये थे यहाँ के ऑनर। तो अभी अपना फूड टेबल पे पहुँचाते हैं, टेस्टिंग करते हैं और आप लोगों को बताते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू जी। सो ये है जी अपनी पॉम्फ्लेट फिश। सबसे पहले मैं क्लियर करूँगा, मैंने ग्लव्स नहीं पहन रखे, बट मेरे हैंड वॉश है, क्योंकि ये फ्राई का काम है तो इसमें ग्लव्स काम नहीं करते। तो ये जा रही है जी अपनी पॉम्फ्लेट फिश, इसके अंदर भी मैरिनेशन होती है पूरी, हम इसके ऊपर लगाएंगे।
ताकि अंदर तक फ्लेवर आए। और ये मैं आपको बताना चाहूँगा, हम रिफाइंड ऑयल नहीं यूज़ करते, ये फ्राई होती है जी मस्टर्ड ऑयल में और बिल्कुल अंदर से साफ है। तो अभी हम इसको पहले हाफ डन करेंगे, क्योंकि अगर हम एक ही बारी में फुल डन करेंगे तो वही प्रोसेस है कि बाहर से कुक हो जाएगी अंदर से कच्ची रहेगी। तो पहले हम इसको हाफ डन करेंगे, फिर इसको 5 मिनट के लिए हम हवा लगवाएंगे थोड़ी सी, उसके बाद फुल डन करेंगे तो अंदर से भी पक जाएगी और बाहर से भी क्रिस्पी हो जाएगी। तो ये अब हमारी हाफ डन हो चुकी है, अब इसको हम थोड़ी देर एयर लगाते हैं, तब तक हम आपको दिखाते हैं अपनी नेक्स्ट आइटम। भैया ये क्या बनने जा रहा है हमारा? ये बनने जा रहा जी हमारा अरेबियन लेग। आप लोगों ने तंदूरी चिकन तो बहुत खाया होगा जिसमें कलर यूज होता है उसको ऑरेंज करने के लिए, बट इसमें आप 1% भी कलर नहीं है, ये प्रॉपर मैरिनेशन है मसालों की। अब इसको अब जाएगा ये अंदर तंदूर के, जैसे मैंने आपको बताया हम अपने हाथ से ही सेक कंट्रोल करेंगे इसका। वाह भाई वाह, ये देखिए ये लगने लगा है तंदूर के अंदर। और ये रोटेटरी है हमारा, इसमें मोटर लगी हुई है, ये रोटेट होता रहता है कि हर जगह से प्रॉपरली कुक हो जाए। ये देखिए अब ये घूमना शुरू हो चुका है। भैया जो मैरिनेशन देखिए ना मैंने इनकी, काफी जबरदस्त है, काफी जबरदस्त लग रही है मैरिनेशन। भैया कितना टाइम लगेगा इसको? अभी ये हम लोग एक्चुअली हमारे पास जो प्रोसीजर रहता है लोग हाफ डन करके रखते हैं, हम जब आपका ऑर्डर आएगा बेशक हम 5 मिनट आपसे फालतू लेंगे, लेकिन ये अभी हाफ डन होगा इसमें प्रॉपरली 15 मिनट्स लगते हैं। अच्छा, तो इसकी जो फ्रेशनेस रहेगी जो एक ही बारी में कुक होने की वो आपको टेस्टी अलग देगी। चलिए भैया जिस हिसाब से बता रहे हैं उस हिसाब से मेरे मुंह में तो अभी से ही पानी आ रहा है, बट थोड़ा बनने देते हैं उसके बाद इसको टेबल पे लाएंगे और टेस्ट करेंगे और आपको बताएंगे। तो भैया अभी हमारा क्या बनने जा रहा है? ये बनने जा रही है, आप लोगों ने बटर चिकन तो बहुत खाया होगा, ये बनने जा रही है अपनी आज बटर फिश। ये देखिए आप लोग सानी फिश पे आए हैं और कुछ यूनिक ना मिले तो फायदा नहीं उस चीज़ का, हम आपको बटर फिश है ट्राई कराते हैं। ये हमारी ग्रेवी जो है, जो टोमेटो प्योर टोमेटोज होते हैं तो हम उसको खुद लेके आते हैं, उसको ग्राइंड करके बनाते हैं, जो आपकी बाज़ार में प्योरी वगैरह मिलती है उसमें नहीं बनाते हम लोग, इसमें प्योर कैशो वगैरह सब कुछ होता है। ये हमारी मैंने यहाँ पर दिखाने के लिए रखी है कि हम लोग अमूल क्रीम ही यूज़, सब अमूल के प्रोडक्ट्स मिलेंगे हमारे पास, बटर घी वगैरह सब। तो हमने क्रीम अपनी थोड़ी बॉक्स में निकाल रखी है क्योंकि क्वांटिटी पता रहे कितनी डाल रहे हैं हम लोग। तो अमूल की क्रीम है जी, इसमें थोड़ी सी क्रीम जाने लगी है। तो ये जी अपना अमूल बटर, जो कि ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं जाएगा क्योंकि हम लोग ये बिलीव नहीं करते कि आप मक्खन वगैरह जितना डालो टेस्ट इतना इंक्रीज़ होगा, आपके मसाले आपके इंग्रेडिएंट्स भी बहुत मैटर करते हैं। तो हम थोड़ा सा अपना बटर डालेंगे इसमें और बाकी आपको मसाले का जो भी फ्लेवर वगैरह है वो तो टेबल पे आपको जो लोग आए हैं वो बता ही देंगे। सो जी हमारी आप फिश देख सकते हैं फ्राई होके आ चुकी है, क्योंकि हम लोग कभी भी ग्रेवी के अंदर नहीं डालते। तो ये जो फिश आ गई है तैयार होके हम इसको इसमें सर्विंग के लिए डालेंगे। ये बात, और भाई ग्रेवी का ना कलर देखो आप, कितना रिच कलर लग रहा है इसका, और देखने में ना मुझे तो काफी बढ़िया लग रही है, और मेरे से ना सीरियसली बताऊं तो सबर नहीं हो रहा। ये देखो जी, देख रहे हो शक्ल, देखो जी सबसे पहले इसकी शक्ल, आपको शक्ल ही बता देगी, मेरे ख्याल से आपके मुंह में पानी आ चुका होगा अब तक है। भैया क्या कहते हो? अरे सर आप पानी छोड़ो, आप क्या क्या आएगा खाने के बाद अगर आप रिपीट ऑर्डर ना करें, ये मेरी गारंटी है। तो जी टेबल हमारी सज चुकी है, टेबल पूरी तरह से ना भर चुकी है आज, इतनी खुशबू आ रही है इस टेबल पे, इतनी खुशबू आ रही है मैं कह रहा हूँ मज़ा आ जाएगा। लेकिन ये सब शुरू करने से पहले आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। आप जितना हमें प्यार दे रहे हो ऐसे प्यार देते रहो, अपना सपोर्ट बनाए रखना। तो अब वीडियो शुरू करते हैं, खाना टेस्ट करते हैं और आप लोगों तक पहुँचाते हैं। इतनी सारी आइटम हमारे पास आई हुई है तो हमें समझ नहीं आ रहा कि हम सबसे पहले किससे शुरुआत करें। सबसे पहले शुरुआत करते हैं जी ये एग पकौड़े से, एग पकौड़ा जी हमारे पास, ये बॉइल्ड एग है, उसके ऊपर बेसन लगा के ना तेल में फ्राई किया गया है। बेसन थोड़ा थिक है, काफ़ी मतलब बढ़िया चीज़ है इस मौसम में खाने वाली। चलते हैं दूसरी आइटम पे जो कि बड़ी लुभावनी लग रही है। दीपक क्या लग रही है भाई? सबसे पहले इसका प्राइस बता दें। हाँ, प्राइस बता दें, ये कॉस्ट करता है 60 रुपीज़ का, 4 पीस आपको मिलेंगे इसमें। अब आते हैं जी अपनी नेक्स्ट आइटम पे, नेक्स्ट आइटम हम यहाँ पे क्या खाएं, इतनी सारी हम खाएंगे इनका ये चिकन टिक्का। ये देखो जी सबसे पहले तो चिकन टिक्का देखो यार कितना बढ़िया लग रहा है, मैं कह रहा हूँ शक्ल देख कर दीपक मैं कह रहा हूँ मुँह में पानी आना तय है। और इसमें आते हैं एक पूरी प्लेट में ना 8 पीसेज आते हैं, हमने यहाँ पे क्वांटिटी ना कम लिया क्योंकि यार बहुत ज़्यादा यहाँ पे सामान आया हुआ है। और ये हम टेस्ट करते हैं आप लोगों को बताते हैं, ये आता है जी ये देखो, ये मिले जी हमें यहाँ पे टाटा डिप, तो इसके साथ ट्राई करते हैं ये।
क्या जबरदस्त चीज है भाई, जो इनका ये चिकन टिक्का ना भाई इतना सॉफ्ट है, इतनी बढ़िया मैरिनेशन हो रखी है ना कि मुंह में जाती ना, सबसे पहली बात जो टिक्का है ना भाई वो गुल रहा है। टिक्का लवर हो ना तो ये आपके लिए जगह जन्नत है, जन्नत से कम नहीं है। इस चिकन टिक्का को ना भाई छोड़ना नहीं बनता। अगर आपने यहाँ का खाया है तो आप कमेंट करके जरूर बताएं, अगर आपने नहीं खाया तो यहाँ पर जल्दी आ जाए उसको तो ट्राई करें और कमेंट करके बताएं। प्राइस की इसकी बात करें तो 280 का ये, हमने क्वांटिटी यहाँ पे कम लगवाई है, 8 पीसेस मिलते हैं, हमने थोड़ी सी क्वांटिटी कम लगवाई है। चिकन टिक्का खा लिया, अब आते हैं अपनी नेक्स्ट आइटम पे। किस पे? ये देखो जी, जिसके लिए यहाँ पे काफ़ी जाने जाते हैं, ये है जी इनकी अरेबियन लेग। ये देख रहे हो, दिल्ली शहर में कहीं नहीं मिलेगी आपको, गारंटी कह रहा हूँ। लेग मिलती है यहाँ पे, उसके 2 पीसेस इन्होंने कर रखे हैं, तो ये ट्राई करते हैं। मैं उठाऊंगा जी इनका ये लेग पीस। एज यूजुअल मेरा थाई वाला पीस मेरा हमेशा फेवरेट रहा है। चिकन देख रहे हो, दिख रहा होगा इससे आपको कि कितना जूसी चिकन है ये। इतने अच्छे से ये चिकन पका हुआ है ना, मैं इसके बारे में बहुत ज़्यादा आपको बता नहीं सकता, बस मैं टेस्ट कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ इतनी ज़बरदस्त तरीके से इसमें जो मसाले डाले हुए हैं, अंदर तक इसमें मसाले घुसे हुए हैं। दीपक भाई इसकी जो मैरिनेशन हो रखी है ना काफ़ी अच्छे से हो रखी है। और दूसरी बात, ये तंदूर में आप लोगों को हमने दिखाया था कि तंदूर में नहीं सिकता, ये जो इनका ग्रिलर है ना इलेक्ट्रिक तंदूर कह लो उसे, उसमें सिकता और इतना बढ़िया से सिक रखा है ना भाई कि मतलब मैं क्या ही बताऊँ आप लोगों को, इतना जूसी चिकन है यार ये। इसका रेट क्या था भाई? इसके प्राइस की अगर हम बात करें तो ये भी कॉस्ट करता है 280 का। तो स्नैक्स में चिकन तो हमने खा लिया, अब आते हैं भाई जिसके लिए सबसे ज़्यादा फेमस है यहाँ पे, अपनी फ़िश के लिए। 1975 से हैं यहाँ पे, और ये देख रहे हो ये है जी इनकी फ़िश, तंदूरी फ़िश और सुरमई फ़िश है ये। 5 पीस मिल रहे हैं इसमें हमें, 250 ग्राम इसकी क्वांटिटी है, ये ट्राई करते हैं। भाई साहब मतलब क्या ही चीज़ है, जन्नत है भाई। सबसे बड़ी बात जो है ना सानी फ़िश पे, पता है क्या है? जो इनकी मैरिनेशन है, वो मैरिनेशन जो है ना इनकी जो चीज़ें हैं ना खाने वाली उनको खास बना रही है, कमाल है कमाल। मसाले ना बड़े अच्छे से यूज़ किए हुए भाई, और ये नहीं कि ऊपर ये जो मसाले हैं ना, ये देखो मैं आप लोगों को दिखाऊं, ये अंदर तक रिसे हुए हैं, देखो ये देख सकते हो गया। और क्या सॉफ्ट है भाई फिश, वैसे सुरमई होती है सॉफ्ट है, फिश का अपना कोई फ्लेवर नहीं होता, सारा जो गेम होता है ना उसकी मैरिनेशन मसालों का होता है, सारा गेम मसालों का, जिसमें ये भाई साहब मैं कह रहा हूँ इनको 100 में से 100 नंबर है, ये पास है। और इसकी अगर हम प्राइस की बात करें ना तो ये कॉस्ट करती है 490 की, जिसमें आपको 5 पीसेस मिलेंगे और पीसेस भी ना काफ़ी बड़े बड़े हैं, 250 ग्राम इसकी क्वांटिटी होती है। तो फिश की बात हो रही है तो उसके बाद हमारे पास यहाँ पे तंदूरी फिश खाने के बाद ये है जी इनकी पॉम्फ्लेट फिश, और ये है इनकी पॉम्फ्लेट फिश जो कि देखने में काफ़ी बढ़िया लग रही है। और इसको खाने का असली तरीका पता क्या है? ये देखो जी इसे खाओ नोच के, नोच के खाई जाती है, ये यहाँ से नोच रहा है और मैं इसे यहाँ से नोचूंगा, ठीक है जी। मज़ेदार भाई, इस पे हमने कोई नींबू नहीं डाला, उसके बाद भी जो मैरिनेशन करी हुई है ना इसमें मसाले की काफ़ी बढ़िया करी हुई है, बहुत अच्छे से फ्राई हो रखी है ये फिश। और फिश में ना आप लोगों को ना ज़्यादातर स्मेल आएगी, इस फिश में ना कोई भी स्मेल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, तो ये फिश खाने का ना मज़ा ही कुछ हो रहा है, और ख़ास तौर पर सर्दियों में। भैया मलाई है, मलाई मक्खन और मलाई है ना, समझ लो ये है, मैं कह रहा हूँ मैरिनेशन तो इनकी कमाल की है, मैं दीवाना हो गया इनकी मैरिनेशन का, खासकर इससे ज़्यादा मेरे पास वर्ड्स नहीं है। अच्छा ये ना इसमें ना सिंगल काटा होता है सिर्फ, और ये देखो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ ये काटा है जी, तो इसको ना कभी भी ना तोड़ के नहीं खाना होता, इसको हमेशा नोच के खाना होता है। और इसके अगर हम प्राइस की बात करें ना तो ये एज़ पर साइज़ है, जो साइज़ हमने लिया है उसका प्राइस ना यहाँ पे वेरी करता है, अभी जो साइज़ हमने लिया है वो कॉस्ट करता है 490 का, और भी साइज ना यहाँ पे जो भी आप लेना चाहोगे उस हिसाब से आपको प्राइस यहाँ पे लग जाएंगे। तो स्नैक्स यहाँ पे खाने के बाद ना अब आते हैं इनके मेन कोर्स में, और मेन कोर्स में जो चीज़ है ना भाई हमारे पास, ये देखो जी आपने बटर चिकन तो बहुत खाया होगा, ये है इनका बटर फिश, देख रहे हो ये फिश के पीसेस देखो भाई इसमें, और ग्रेवी का कलर देखो भाई क्या कलर है, काफ़ी रिच ग्रेवी लग रही है, तो ये ट्राई करते हैं जी। सबसे पहली बात जो फिश है ना वो फ्राई होके इसमें डाल रखी है, दूसरी बात अगर आप इसको बटर चिकन के साथ कंपेयर करोगे ना तो बिल्कुल आप गलत हो, क्योंकि बटर चिकन जो होता है ना वो थोड़ा स्वीटर साइड पे होता है, और ये जो ग्रेवी है ना थोड़ी सी ना सॉल्टी साइड पे है, तो ओवरऑल जो ये बटर और इसका फिश का कॉम्बिनेशन है ना भाई ये बहुत बढ़िया। एक तो क्या होता है बटर चिकन जो होता है ना उसमें क्रीम बहुत ज़्यादा डलती है, बटर बहुत ज़्यादा डलता है, इसमें क्वान्टिटी डली हुई है बट उतनी नहीं डली कि आपको ज़्यादा बटरी फ्लेवर आए या ज़्यादा क्रीमी लगे। बहुत ही शानदार, बहुत ही ज़बरदस्त आइटम है, ज़्यादा मेरे पास ना लफ्ज़ नहीं है, ये जो चीज़ें खिला रहे हैं ना सबसे बड़ी बात क्या, क्वालिटी प्रोडक्ट यूज़ हो रहा है, और दूसरी बात इनका बनाने का तरीका,
अंदर आपने किचन शायद देखी होगी, इतनी नीट एंड क्लीन है ना, मैं क्या बताऊँ उसके लिए, बहुत ही जबरदस्त साइड में है। इसके लिए बस आपको यहाँ पे आना पड़ेगा। अच्छा, आप आओगे, खाओगे, आप हमें बताओगे तो ही हमें पता चलेगा यहाँ का खाना कैसा है। और इसके अगर मैं प्राइस की बात करूँ ना, तो भाई ये क्वांटिटी है 400 रुपए की इसकी प्राइसिंग है। यहाँ पे मंगाओ, खाओ, घर पे मंगाओ, स्विगी जोमेटो पे अवेलेबल है, आप वहाँ पे मंगा सकते हो। तो देखो यहाँ पे हमने बटर फिश तो इनकी टेस्ट कर ली और वो काफ़ी बढ़िया थी। अब आते हैं यहाँ पे इनके मीट पे। देखो जी, सरदार जी की दुकान पे आए और कीमा मीट ना खाएं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा। मेरे मेन्यू में सरदार जी की दुकान पे अगर मैं जाता हूँ तो कीमा मीट मैं यूज़ रखता हूँ। और ये कीमा मीट आप देखो, ये जो है ना ऊपर, ये देसी घी है, आप देख रहे होगे जमना चालू हो गया क्योंकि ठंड है। और जो इनका कीमा मीट है ना वो देसी घी में बनता है। ये ट्राई करते हैं, इनकी जो चीज़ की शक्ल है ना वही बता देगी कितना दम है। पहले तो ना मीट का पीस देखो, ये देखो हाथ लगाया और गया, क्या बात है, देख रहे हो रेशा रेशा अलग दिख रहा है। मुझे लगता था कि इनको तो शायद फिश में ही मारा था सील है, लेकिन यहाँ मैं गलत हो गया। वैसे मटन की जो मैंने ये एक बाइट ली है ना, इसने बता दिया कि इनके हाथों में जादू है। 1975 से ये काम कर रहे हैं, तो जो इनका एक्सपीरियंस है ना वो दिखा रहा है यहाँ पर, ये जो चीज़ें खिला रहे हैं। इसके बाद मैं कुछ नहीं बोलूँगा, दीपक बताएगा आपको। हमने सोचा था कि ये फिश के लिए ना फेमस है, जैसा कि यतिन ने आप लोगों को बताया, पर हम ये भूल गए थे कि ये सरदार जी हैं, तो इनको कीमा मटन बनाना तो सबसे बड़ी आता होगा। और कीमा मटन जो है ना भाई, पंजाबियों को आप लोगों को पता ही है, थोड़ा स्पाइसी होता है, ये स्पाइसी नहीं है इतना। दूसरी बात, जो मटन है ना वो फ्रेश है, देसी घी डला हुआ है, उसका एक फ्लेवर आ रहा है काफ़ी अच्छा, जो है ना इन्होंने कीमा मीट बना रखा है। मैं टोटल सी बात करूँ ना, बहुत ज़बरदस्त मसाले डले हुए हैं, इतनी लंबी कहानी मत करो, मैं कहूँ सीधा यहाँ पे आ जाओ बस आके खाओ। और मसाले जो है ना वो नॉमिनल से हैं, बहुत जो कीमा मीट होता है ना आप लोगों ने कई जगह पे खाया होगा, वो बहुत ज़्यादा स्पाइसी होता है, और वो जो होता है ना वो दिक्कत वाला होता है। और ये जो है ना भाई नॉमिनल मसालों के साथ ना बहुत बढ़िया कीमा मीट है। अगर हम इसके प्राइस की बात करें ना तो ये 300 रुपये का हाफ है और देसी घी ना भर के डाला हुआ है इसमें। तो जी अगर ये सारी आइटमें खानी है ना तो आपको आना पड़ेगा कहाँ पे, सानी फिश कॉर्नर पे। जो यहाँ का एड्रेस होगा वो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, रेट आपको बता दिए गए हैं सारे के सारे। और ये थी आज की हमारी छोटी सी वीडियो, आई होप आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई होगी तो क्या करना है, भैया जो चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, और आप हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं जिसकी आईडी खाना बदोश भाई दीपक यतिन, खाना बदोश भाई दीपक यतिन। और आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं आपको हमारी दिखाई वीडियो कैसी लगती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट, गुड बाय, हैप्पी न्यू ईयर।